दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पेंसिल लिस्ट कैसे देखें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी राज्य की आप पेंसिल लिस्ट देख सकते हैं अपने मोबाइल से 2 मिनट में। तो दोस्तों कैसे देखेंगे पेंसिल लिस्ट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नीचे कमेंट में लिख देना है आपका कौन से बैंक में बैंक खाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यानी पेंसिल लिस्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको किसी भी ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। आपको क्रोम ब्राउजर में लिख देना है पेंसिल लिस्ट, यानी जिस राज्य की आप देखें उसका नाम, उस राज्य का यानी पेंसिल लिस्ट के आगे उस राज्य का नाम लिख देंगे। मैं यहां लिख देता हूं पेंसिल लिस्ट यूपी, मैं यूपी की दिखाता हूं। आपको पेंसिल लिस्ट यूपी लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही पेंसिल लिस्ट यूपी लिख के आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ये दिख रहा है वृद्धावस्था पेंशन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी पेंशनर सूची आ जाएगी। अब आपको कौन सी सन की पेंशन देखना है उसी पे क्लिक कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ 2020-21 की, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो राज्य चुना था उस राज्य में जितने जिले हैं सारे जिले आ जाएंगे। अब आपको अपना जिला चुन लेना है। जैसे ही आप अपना जिला चुनेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, आप ग्रामीण क्षेत्र की देखना चाहते हैं या नगरीय क्षेत्र की देखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप नगरीय क्षेत्र की देखेंगे तो आपको नगर निकाय चुनना है और आप ग्रामीण क्षेत्र की देखेंगे तो आपको यानी ब्लॉक चुन लेना है। मैं आपको ग्रामीण क्षेत्र की दिखाता हूँ, यहाँ ब्लॉक को चुन लेंगे। जैसे ही आप ब्लॉक चुनेंगे आपके सामने जो ब्लॉक आपने चुना था उस ब्लॉक में जितने गाँव हैं सारे गाँव आ जाएंगे, यानी ग्राम पंचायत आ जाएंगी। अब आपको अपना गाँव चुन लेना है। जैसे ही आप अपना गांव चुनेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने आप कुल पेंशन आ जाएंगी, यानी कितनी पेंशन आपके गांव वालों को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आपका इस लिस्ट में लिस्ट देखने के लिए आपको ये कुल संख्या दिख रही है आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा यानी पेज ओपन हो जाएगा। यानी ये सभी के खाते में 2500-2500 रुपये आए हैं 3 किस्तों में, यानी 1-2 किस्तों में 1000-1000 और तीसरी किस्त में 500 रुपये। इसी हिसाब से सभी के खाते में 2500 रुपये आ चुके हैं। दोबारा से अगर आपका भी इस लिस्ट में नाम होगा तो आपको खाते में भी आ जाएंगे 2500 रुपये। यानी क्रमशः रजिस्ट्रेशन संख्या, पेंशनर का नाम, पिता का नाम, लिंक, आयु, वर्ग, मोबाइल नंबर और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी के खाते में आए हैं 2500-2500 रुपये। जो इस लॉकडाउन में प्रक्रिया चालू हुई थी वो प्रक्रिया अभी चल रही है और सभी के खाते में दोबारा से आ चुके हैं 2500-2500 रुपये। ये बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है और ये ट्रांजैक्शन यानी पेमेंट कौन डेट है। तो दोस्तों इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं आपके खाते में भी आए होंगे 2500 रुपये यानी 2500-2500 रुपये। तो दोस्तों ये वृद्धावस्था पेंशन है। अगर आपकी कौन सी पेंशन आपको मिल रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।